यहाँ पे जो जितने भी फेशियल हेयर थे ना मेरे, वो रिमूव हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे। हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 मिनट क्राफ्ट का एक वायरल हैक जो है टेस्ट करने वाली हूँ, जो कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही चुका होगा। तो जो कि हैक है, आई ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ इन टू अ ओल्ड लेडी। तो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस हैक को ट्राई करने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये वाला जो हैक है काफ़ी ज़्यादा वायरल है, और ये हैक क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो कॉपीराइट इशू की वजह से मैं वीडियो तो यहाँ पे शो नहीं कर सकती हूँ, बट मैं फ़ोन में आपको दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में वीडियो में हो क्या रहा है। सो गाइस, सबसे पहले उन्होंने ग्लू जो है अपने फेस पे अप्लाई किया, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर पाउडर लगाया। सूखने के बाद जो उनकी स्किन थी काफ़ी ज़्यादा रिंकल उनकी स्किन में पड़ गए थे। उसके बाद उन्होंने कोई क्रीम ली है और अपने आईब्रोज पे लगाई है। उसके बाद उन्होंने जॉनसन्स बेबी का पाउडर लिया और उसको अपने हेयर पे लगा लिया। तो अब आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट। वैसे अगर आपने ये 5 मिनट क्राफ्ट की ये वीडियो ज़रूर देखी होगी। सो गाइज, मैं भी ये ही करने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमको मिलता है। तो अभी उन्होंने ग्लू लिया है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा ग्लू उन्होंने लिया। उन्होंने लिखा था स्कूल ग्लू, बट मैंने बहुत पहले नीलांजना धर, जिनकी मैं फ़ैन भी हूँ, उनकी एक वीडियो देखी थी। उन्होंने जो था फेविकॉल ही जो है यूज़ किया था, तो मैं भी फेविकॉल ही यूज़ करूँगी। थोड़ा डर लग रहा है कि स्किन में इससे कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए, बट जब हम ब्लैकहेड निकालते हैं तो उस टाइम पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता। बट उससे उसके लिए मैं पहले सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लूँगी ताकि कोई साइड इफेक्ट इससे ना हो, ठीक है। तो गाइज, मैं एलोवेरा जेल ही अपने फेस पे लगा रही हूँ और एक ही साइड में लगा रही हूँ, और अच्छे खास अमाउंट में मैं इसको लगा रही हूँ ताकि मेरे जो पोर्स हैं वो अच्छे से क्लोज हो जाएं, ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो। वैसे भी मेरे को आजकल जो है पिंपल प्रॉब्लम हो रखी है क्योंकि मेरी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। तो इसको सूखने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मिलती हूँ मैं 5 मिनट के बाद। तो गाइस, मैं करने वाली हूँ फेविकॉल यूज़। तो ये 10 रुपीज़ का है, और इससे पहले मैंने ये जब लिया था ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए, क्योंकि मेरे को हैक ट्राई करना था। तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसने मेरे को दिया था, और मैं उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, नहीं देखी आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने लगाया था आँखों के ऊपर और ऐसे ही कुछ की इसकी हेल्प से। डर भी लग रहा है गाइस मुझे, कहीं ये कुछ गलत रिएक्ट ना करे। तो गाइस, मैं पूरे फेस पे ही आपको अप्लाई करके आपको बताती हूँ। आंखों के ऊपर थोड़ा डर लग रहा है, इसके चक्कर में मेरा ब्रश भी जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये मैं आंखों के ऊपर लगा चुकी हूँ। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे ही इसको अप्लाई करके आपको बताती हूँ, क्योंकि उन्होंने फेस पे कुछ इस टाइप से लगाया था कि उन्होंने पहले फेस किया था उसके बाद लगाया था, और यहाँ पे भी जब वो लगाए थे तो काफ़ी खींच 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 के, मतलब स्किन जो है खींच करके उसके बाद उसको अप्लाई कर रहे थे। मैं पूरा अप्लाई करके आपको बताती हूँ, तब तक ये सूख भी जाएगा साथ साथ में, ठीक है। लगाया है बट यहाँ पे लग नहीं रहा है वो ब्रश की हेल्प से। मैं हाथ की हेल्प से लगाऊंगी, फिंगर की हेल्प से। गाइस, आप देख सकते हैं पिंपल हो रखे हैं यहाँ पे। तो मैंने लगा लिया है और अब वेट करते हैं कुछ टाइम तक, टाइम का, जब तक ये सूखता है, ठीक है। तो गाइस, इस एरिया से तो सूख गया है, बट मैंने वीडियो जो है फिर से देखी, तो उन्होंने जो बताया था एग्जैक्ट जो था उसमें ये था कि जब तक आपका जो आँखों का ये सूखता नहीं है तब तक ऐसे ही हमको स्किन रखनी है। जब आप यहाँ पे भी लगा रहे हो तो जब तक वो सूखता नहीं है तब तक ऐसे करके स्किन रखनी है, और यहाँ पे भी खींचे ताकि जो है रिंकल्स अच्छे से पड़ जाएँ, बट मैंने वो नहीं किया। अभी देखते हैं कैसे उसको ठीक करूँगी। फिलहाल तो कर रही हूँ मैं कोशिश। तो इसको अभी यहाँ पे तो सूख चुका है, बट यहाँ पे अभी सूखने में टाइम है, तब देखते हैं कि अब कैसे जो है रिंकल्स पढ़ते हैं। तो गाइस, ये सूख चुका है और रिंकल आपको दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ एक बार क्लोजली कि ये कितना ज़्यादा बेकार लग रहा है। दिखाती हूँ मैं एक बार आपको।
ऐसे करने पर जो है रिंकल्स बन रहे हैं वो शायद इसलिए कि मैंने गड़बड़ करी। इस पर एक बार इधर भी ट्राई करके देख लूँगी, बट जो रिंकल हैं कुछ ज़्यादा नहीं पड़े हुए, नॉर्मल मतलब बहुत कम जो है रिंकल पड़े हुए हैं। एक बार पाउडर लगा के पूरा देखती हूँ, क्या पता उसके बाद कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिले। अभी तक तो कुछ खास रिज़ल्ट मिला नहीं है मेरे को। अरे कुत्ते गाइस इतना ज़्यादा भौंकते हैं ना रात को इसी टाइम पे, मैं अभी क्या कर सकती हूँ, मैं हर वीडियो में परेशान हो जाती हूँ वीडियो बनाते बनाते। कैसे ऐसे करने में पड़ रही हैं झुर्रियाँ, कैमरे में पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है, बट हैं, बट बहुत जो है कम है ऐसे, मतलब कुछ खास ऐसा पड़ा नहीं है। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करके देखूंगी क्योंकि मैंने थोड़ा गड़बड़ की है। रिजल्ट इस साइड को मिल नहीं रहा है, एक बार मैं इस साइड को ट्राई करके देखती हूँ, ठीक है। पर गाइस चाहे मैं इधर पड़े भी झुरियाँ या ना पड़े, बट इधर का आप रिज़ल्ट देख सकते हो कितना ज़्यादा बेकार ये लग रहा है, कहीं से ओल्ड नहीं लग रहा है। उन्होंने पता नहीं कौन सा ग्लू यूज़ किया, पर मेरे साथ तो ये जो हो रहा है ना, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा पहला एक्सपेरिमेंट हमेशा फेल होता है। तो अब फिर से मैं एक बार यहाँ पर ट्राई करके देखती हूँ कि अच्छे से वर्क करता है कि नहीं। मैं हाथ की हेल्प से इसको लगाऊंगी, तो गाइज़ यहाँ पे मैं आईब्रोज़ के ऊपर जो है कंसीलर लगाने लगी। उन्होंने तो पता नहीं कोई फेस पेंटिंग टाइप का कुछ लगाया था, और मैं स्पूली लाना भूल गई, मैंने रखी हुई थी बट वो मैं लाई नहीं। और सिर में भी मैं ये जॉनसन्स बेबी का पाउडर डायरेक्ट ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वो वाली कॉम्ब नहीं थी मेरे पास जो उनके पास थी। और आईब्रोज़ के ऊपर थोड़ा मैंने पाउडर भी लगा लिया है ताकि वो अच्छा सा इफेक्ट दे। साइड से मैंने ये मुँह फुलाई रखा है तब गैस तक। 10 मिनट हो चुके हैं, अरे सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतने देर तक मेरा ऐसे करके मुंह कर होके दर्द हो गया है पूरा, यहाँ पे सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। बट हाँ, अगर आप इस तरीके से करोगे इसको देर तक, तो रिंकल आपके फेस पे पड़ने लग जाएंगे क्योंकि वो खिंच जाएगा, और एकदम से आप मुंह ऐसा करोगे तो वो ठीक रहेगा। मेरे पड़ गए हैं, बट यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मेरा, इतने देर तक मेरा जो मुंह है दर्द हो गया था अभी तक। बट आप इधर से देख सकते हो कितना ज़्यादा मैश हो रखा है। तो हैक तो ये वर्क करता है अगर आप इसको अच्छे से करेंगे, मतलब अगर आप जैसे उन्होंने बताया था आंखों पे भी उन्होंने कुछ इस टाइप से लगाया था, जब तक वो सूखेगा नहीं। बट गाइस मैंने शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया इसलिए सूखा नहीं, और इधर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने लगा के छोड़ दिया था, पाउडर जो था लगा दिया था, तो उसकी वजह से थोड़े गड़बड़ हो गया। रिंकल तो पड़ रखे हैं बट इतने ज़्यादा नहीं कि वो, अगर आप ऐसे में देखोगे हल्के से दिख रहे हैं, इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। और ये तो मैं थक गई हूँ गाइस, उतने टाइम से सूखने का नाम नहीं ले रहा है, बट इसमें रिंकल्स पड़े हुए हैं अभी, मैं आपको क्लोजली बताऊंगी जब ये सूखेगा। तो गाइस ये है आपका फाइनल रिजल्ट। तो गाइस मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ, उसके बाद ही मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद और बताने कितना पेनफुल होगा। हाँ मम्मी, मेरे ना ये आगे वाले बाल भी जो है वो इस पे चिपक चुके हैं, वो खींच रहे हैं तो बहुत दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड। तो गाइस इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करना, एक तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, और ये गाइस बहुत ज़्यादा चिपक चुका है, निकल देगा ना निकलेगा ना, तो अच्छा रिजल्ट ही दे रहा है। और अगर देगा भी, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको करोगे, करें हैक जो है वर्क करेगा भी, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है मैशी लगेगा। मेरे बालों पे चिपक चुका है, मेरे फ़ोन की जो है बैटरी खत्म हो चुकी है, तो मैं बाद में आपको मिलती हूँ, ठीक है। मुझे इससे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे फेशियल हेयर जो है वो रिमूव हो रहे हैं। सो गाइस एक लाइक तो जरूर कर देना, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है ये। हिम्मत नहीं हो रही मेरी अब यहाँ पे से उतारने की। गैस मेरे फेशियल हेयर जो है इसे काफ़ी रिमूव हो चुके हैं, तो बहुत पेन हो रहा है, मुझे डर भी लग रहा है कि इससे मेरे फेस पे पिंपल्स ना हो जाए, रिंकल्स भी। ओह माय गॉड गाइस आईब्रोज पे लगे हुए, आईब्रोज ना जाए जो। सो गाइस फाइनली जो है ये रिमूव हो चुका है, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, और यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है क्योंकि यहाँ के जो इस यहाँ पे जो जितने भी फेशियल हेयर थे ना मेरे, वो रिमूव हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा लगाया हुआ था, और इसके बाद में सीधा हेयर
फेस जो है वो वॉश करने वाली हूँ। तो कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।